भारत के साथ साथ कई देशों में लोग एक बार फिर रिंग ऑफ फायर के गवाह बनने जा रहे हैं। इस साल 26 दिसंबर को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा। ये खगोलीय घटना 2 घंटे 40 मिनट 6 सेकंड की होगी, जो कि भारतीय समयानुसार सुबह 8:17 से 10:57 तक चलेगी। 15 जनवरी 2010 के बाद ये दूसरा वलयाकार सूर्य ग्रहण है जिसे भारत में देखा जा सकेगा। वैसे तो ये सूर्य ग्रहण पूरे देश में दिखाई देगा, लेकिन स्पष्ट और ज्यादा देर तक इस घटना को देखने के लिए दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी सबसे बेहतर स्थान हैं। इन राज्यों के कुछ शहरों से इस अद्भुत नजारे को 3 मिनट से ज्यादा समय तक भी देखा जा सकेगा। इनके अलावा देश के बाकी हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। राजधानी दिल्ली में 44.7%, अहमदाबाद में 66%, बेंगलोर में लगभग 90%, हैदराबाद में 75% और कोलकाता में 45% तक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। जब सूर्य, चंद्रमा और धरती एक सीध में आ जाते हैं, उस वक्त चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि धरती सूर्य के चक्कर काटती है और चंद्रमा धरती के आसपास घूम रहा है, इसलिए हर महीने में अमावस्या को ये स्थिति बनती है जब चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच आता है। लेकिन हर बार सूर्य ग्रहण नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा एक समान तल पर चक्कर नहीं लगाते। चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूमते हुए 5 डिग्री पर झुका हुआ है, इसलिए हर बार चंद्रमा के बीच में आने पर उसकी छाया धरती पर नहीं पड़ती। जब चंद्रमा धरती के परिक्रमा पथ को सूर्य के साथ एक सीध में काटता है, तब चंद्रमा की छाया धरती पर पड़ती है और इस स्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है, यानी कुछ देर के लिए चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है। जब कभी पृथ्वी और चंद्रमा इन कटाव बिंदुओं पर एक साथ न होकर थोड़ा आगे पीछे होते हैं, इस स्थिति में आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, यानी पृथ्वी से देखने पर सूर्य का कुछ हिस्सा ही चांद से ढका हुआ नजर आता है। धरती दीर्घ वृत्ताकार परिधि में चक्कर काटती है, ऐसे में वो कभी सूर्य से नजदीक होती है तो सूर्य बड़ा नजर आता है, और जब अधिकतम दूरी पर होती है तो सूर्य का बिंब छोटा दिखाई पड़ता है। इसी तरह चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी घटती बढ़ती रहती है। ऐसे में जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो और पृथ्वी सूर्य के निकटतम, तो एक सीध में आने के बाद भी चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को नहीं ढक पाता। ऐसे में चंद्रमा सूर्य के बीच नजर आता है और उसके आसपास गोलाकार रूप में सूर्य दिखाई देता रहता है और एक अंगूठी सा आभास होता है। इस स्थिति को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक बात और, चंद्रमा की छाया धरती के सीमित क्षेत्र को ढकती है, इसलिए सूर्य ग्रहण धरती के उसी क्षेत्र में देखा जाता है जो चंद्रमा के बीच में आने के समय सूर्य की ओर होता है। यही वजह है कि हर बार हर जगह सूर्य ग्रहण नहीं देखा जाता।